छात्रों के संयुक्त मोर्चे की तरफ से कल 16 तारीख की रात के 12 बजे बाद से जैसे ही 17 तारीख शुरू होगी रोडवेज के कर्मचारी 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इस हड़ताल को 24 घंटे के बाद आगे निरंतर भी जारी रखा जा सकता है। ये हड़ताल इसलिए करनी पड़ रही है दोबारा से हमको, जुलाई में भी संयुक्त मोर्चे ने 3 दिन की हड़ताल की और 3 दिन की हड़ताल के बाद 4 प्रमुख मांगों पर राजस्थान सरकार ने लिखित समझौता संयुक्त मोर्चे के साथ में किया, 4 मांगों। और उन 4 मांगों में से एक मांग तो ये थी कि रोडवेज को 1000 नई बसें दी जाए, पुरानी नकारा बसों को बदलने के लिए, ये जनहित की मांग थी, इसमें कर्मचारी से कोई सीधा संबंध इसका नहीं है, बेहतर सर्विस रोडवेज दे पाए इसलिए ये मांग थी। इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि नकारा बसों को बदलने के लिए हम नई बसें आपको देंगे। दूसरा सवाल था एक कि 150 करोड़ रुपए का जो अनुदान की राशि रोडवेज की राजस्थान सरकार की तरफ बकाया थी वो दे नहीं रहे थे, उसको उन्होंने स्वीकार किया कि 150 करोड़ की बकाया अनुदान की राशि हम आपको 31 अगस्त तक दे देंगे ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान हो सके और जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके भत्तों वगैरह के बकाया भुगतान हो सके। वो एक महीने का टाइम था उसके लिए, किंतु वो अभी तक भी उसमें से कुल 48 करोड़ 81 लाख रुपए आए हैं और 101 करोड़ 19 लाख रुपए अभी भी बकाए चल रहे हैं, 15 दिन ऊपर हो चुके हैं उस समझौते को हुए। और 2 और मांगों पर एक कमेटी बनाने का निर्णय हुआ था कि रोडवेज के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का और 8000 जो पद खाली पड़े हैं जिसकी वजह से वाहन संचालन भी प्रभावित होता है, कर्मचारियों पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, जनता को अच्छी सेवा नहीं मिल रही है, उन पदों को भरने के लिए उन्होंने कहा था एक उच्च स्तरीय कमेटी हम बनाएंगे जो 31 अगस्त तक वो रिपोर्ट सरकार को दे देगी ताकि उस पर हम विचार कर लेंगे आचार संहिता लगने से पहले पहले। ये इस तरह से समझौता 4 मांगों पर हुआ। कर्मचारी संगठनों के साथ जिस तरीके का छलावा और झूठे समझौते कर रही है उसी तरीके से राजस्थान की रोडवेज के कर्मचारियों के साथ भी राजस्थान की सरकार ने एक झूठा समझौता किया जिसके चलते राजस्थान की सरकार ने जो 4 मांगों को उन पर सहमति बनी उनकी एक भी मांग को राजस्थान की सरकार ने आज तक नहीं माना, उससे मजबूर होकर राजस्थान की रोडवेज के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। और यही नहीं, राजस्थान की सरकार ने जो 5 साल में झूठे वायदे किए आज जो झूठे समझौते किए उसके चलते आज पूरे राजस्थान का कर्मचारी आंदोलन है और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने अब 15 दिन का समय शेष रहा है, कभी भी राजस्थान की सरकार ने इन समझौतों को लागू नहीं किया और 1-2 दिन में ही राजस्थान की सरकार ने उस अनुरूप आदेश नहीं जारी किए तो निश्चित रूप से 25 तारीख से पहले पहले चाहे राजस्थान की रोडवेज का कर्मचारी हो, चाहे राजस्थान का मंत्रालय हो, चाहे राजस्थान का ग्राम सेवक हो, जो तमाम लोग लड़ रहे हैं, जो राजस्थान की सरकार ने ढकोसला राजस्थान के कर्मचारियों के साथ 5 साल तक रचा उसके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजस्थान का कर्मचारी कभी भी आम हड़ताल पर उतर सकता, राजस्थान की रोडवेज को राजस्थान की सरकार कहीं भी अकेला नहीं समझे। राजस्थान की रोडवेज ने जब जब आंदोलन किया है राजस्थान के कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस हुई है, राजस्थान का कर्मचारी उनके साथ खड़ा रहा है और 16 तारीख के बाद 24 घंटे की हड़ताल तो राजस्थान की रोडवेज ने रखी है, 24 घंटे में राजस्थान की सरकार ने उनके हुए लिखित समझौते को लागू नहीं किया तो निश्चित रूप से राजस्थान का कर्मचारी मूक दर्शक होकर के नहीं बैठा रहेगा और राजस्थान की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सड़कों के ऊपर उतरने के लिए हम बहुत जल्दी इस बात के लिए राजस्थान की सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं क्योंकि